अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हो जेके रेवोल्यूशन और मैं हूं आपका मेजबान जावेद खान। नाजरीन, बात करें कोविड के बाद जो हादसात हो रहे हैं कश्मीर में, जिस तरीके से नौजवान जो हैं वो खुदकुशी कर रहे हैं, जिस तरीके से नौजवान जो हैं वो सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं और कहीं ज़्यादा बातें भी हो रही हैं, आखिरकार क्या वजूहात हैं, क्यों ये सुसाइड कर रहे हैं नौजवान, किस तरह की परेशानी जहन में लिए हुए हैं और कश्मीर में ज़्यादातर ये हादसात पेश आते हैं। जैसे कि आज जो है बारामूला में भी एक हादसा हुआ जिसमें एक नौजवान ने खुदकुशी की और बखूबी लोग जो हैं इस बात से अभी भी परेशान हैं कि क्या वजूहात हैं, आखिरकार किस चीज़ की कमी है। बात करें इस वक्त हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं बात करने के लिए बारामूला से सीनियर पॉलिटिकल लीडर दिलशाद मलिक। दिलशाद मलिक साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है जेके रेवोल्यूशन में। जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जेके रेवोल्यूशन का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि जो बार बार लोगों के मसाइल उजागर करते हैं। जी दिलशाद साहब, आपसे ये बात जानना चाहेंगे कि आखिरकार ये जो सुसाइड बढ़ रहे हैं, ये जो कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में आए दिन हमेशा सुसाइड होते हैं, नौजवान जो है अपनी जान दे देते हैं, आखिरकार क्या वजूहात हो सकती हैं? जावेद साहब, मैं आपके माध्यम से एक ही मैसेज देना चाहता हूं कि जो ये नौजवान हमारे सुसाइड कर रहे हैं, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, माँ बाप के पास सब जमीन जायदाद छोड़ के एक बड़ा सरमाया होता है, वो है अब उसका बेटा। जी जी जी। और बदकिस्मती से मैं इसका ताबीर करता हूं कि ये जो हमारे नौजवान नस्ल इस वक्त ये बड़े खतरनाक जो कदम उठा रहे हैं कि सुसाइड कर रहे हैं, मैं इस चीज को कंडम करता हूं। जी। और मैं इस चीज से दोहराता हूं कि ये जो एक सरमाया हमारे पास, हमारे कौम का असासा जो होता है वो हमारे नौजवान है। बेशक। और मैं आपके माध्यम से इन नौजवानों तक एक मैसेज देना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, ऐसा कदम हम शरई तौर भी ये बिल्कुल गुनाह है। और आपके पीछे एक परिवार भी होता है, माँ बाप, भाई बहन भी होता है, ये चीज़ टोटली गलत है। इस चीज़ के तरफ मत गम हो जाओ कि ये गलत है, और इसलिए मैं इस चीज़ को कंडम करता हूँ। आपके माध्यम से मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, हमारे जो बड़े बड़े उलमा है, ये मैं आपके माध्यम से ये उलमाओं तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ, हमारे उलमा साहिबान जो हमारे मस्जिद में खिताब करते हैं, ये उन पर जिम्मेदारी आयद होती है। बराए करम करके, मेहरबानी करके, मैं उनसे मुदबना गुजारिश करता हूं आपके माध्यम से, वो अपने मस्जिदों में और अपने उस मस्जिद खिताबों में सबसे पहले तरजीहात इस चीज़ पे दे कि इन नौजवानों को ये दीन के तरफ रागिब हो जाए और इन इस पर रोशनी डाले। ये खुदकशी हमारे मजहब, हमारे इस्लाम ने बिल्कुल मकरूह करार दिया है। और हमारे पास जो ये असासा होते हैं, ये खुदकुशी करके मैं इस चीज को कदम करता हूँ, बड़ी मेहरबानी। मलिक साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि आप संग्रामा वागला से वाबस्ता हैं, बारामूला से, तो आज सुबह जो वारदात पेश आई वागला हॉस्पिटल में, एसडीएच में, तो उसमें क्या कहना है आपका? ये जो हमारे गाँव वागला में आज सुबह एक सुसाइड केस सामने आया, तो मैं ये कहूँ कि हमारे गाँव में शायद आज कोई चूल्हा नहीं जला। और इसके साथ साथ हमारे जो नज़दीक एसडीएच क्रेडी, फिर वहाँ पे पोस्टमार्टम के लिए हम गए, और हमारे जो कंसर्न पुलिस स्टेशन क्रेडी और पुलिस पोस्ट वागोरा, इन्होंने बहुत ही मेहनत लगन से की और बहुत ही हमदर्दाना सिस्टम दिखाया, और पहुँचे हम क्रेडी एसडीएच क्रेडी में। और एसडीएच क्रेडी में जहाँ तक वहाँ डॉक्टरों का सवाल है, मुझे लग रहा है कि वहाँ ये जो पोस्टमार्टम करने के लिए उनके पास फैसिलिटी नहीं है। जी। और मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ, गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ हमारे एरिया में एक जो एसडीएच क्रेडी है, वहाँ पे इन्होंने पहले जो स्ट्रक्चर बाहर रखा इसको पोस्टमार्टम करने के लिए, तो वहाँ पे उस पुलिस ने भी शायद अपने गुस्से का इजहार किया, और जो नौजवान हमारे साथ थे तो फिर फुल इन्होंने डीएमओ साहब से रायदा किया पुलिस ने, और हमने भी बुजाइद खुद, मैंने भी बीएमओ साहब से बात की, तो फिल फोर उन्होंने वापस कमरा वहां पे खाली की, तो अंदर से फिर उसका पोस्टमार्टम चला तकरीबन 2-2.5 घंटा। आखिरकार तो जिस तरीके से नौजवान ने खुदकुशी की, आखिरकार क्या वजूहात थे, क्या पता लगा आपको इस बारे में सर?
बस हम इसी कोशिश में हैं कि हम हमें ये पता चले कि क्या वजूहत है, क्या किस बिना पे इन्होंने इतना खतरनाक कदम उठाया। और इस इनके माँ बाप के साथ भी हमने राब्ता सुबह जब किया तो इन्होंने बोला कि ये बच्चा सुबह तकरीबन 6 बजे खिड़की की तरफ घर से बाहर निकला, सड़क पे आया और वह सड़क से वापस आकर इन्होंने वो वहाँ पे खुदकुशी की। तो जैसे 8 बजे 8:30 बजे करीब इनकी माँ वहाँ पे गई तो इन्होंने वहाँ पे उस अपने कमरे में छत के साथ उसको लटकते हुए देखा। तो जूं ही खबर गांव में फैली, आग की तरह फैली, तो सारा गांव तितर बितर हो गया, पूरा इलाका तितर बितर हो गया। तो इसलिए फिर बाद में उसको 2 बजे के बाद, नमाज जोहर के बाद उसको सुपुर्द खाक किया गया। तो आखिरकार ये नौजवान जो था, इसकी उम्र क्या थी और क्या तालीम हासिल कर रहे थे? बहुत ही मेरे पास अल्फाज नहीं जावेद साहब, मैं बताऊं, मैं इसी गांव का रहने वाला हूं, जी मेरे पास अल्फाज नहीं है इस बच्चे के हवाले से मैं क्या कहूं कि ये इतना शरीफ नफस और इतना मेहनत कश, और ये कभी बेचता ही नहीं, इतना मेहनत करने के बावजूद भी इन्होंने इतना मतलब खतरनाक कदम उठाया, इसके पीछे क्या कारण है। और मैं भी परेशान हूँ और हमारा गांव भी परेशान है, पूरा इलाका। आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि एसडीएच ग्रीडी हॉस्टल में इस वक्त जो है किस तरीके के इकदाम लिए जा रहे हैं? हालांकि कोविड की बात करें तो बहुत अच्छे काम हो रहे थे और बाकायदा काबिले तारीफ थे, तो आज किस तरीके के इकदाम हैं? मैं बताऊं ये कि जब पोस्टमार्टम के लिए हम वहां पे गए तो मैंने वहां पे अपने हमारे वो डॉक्टर साहब, डॉक्टर आसिफ साहब और बाकी जो डॉक्टर अमला वहां पे, इन्होंने बहुत बेचारों ने मेहनत की उस टाइम पे, मगर जो फैसिलिटी इनका, ये जो शायद इसमें ये जो पोस्टमार्टम कर रही है फॉरेंसिक कोई लेब कर रही है, तो वो फैसिलिटी इनके पास वहाँ नहीं है। नहीं है, जी जी वो फैसिलिटी नहीं है। तो अदरवाइज जो वहाँ पे डॉक्टर ने फिलहाल मतलब उस वक्त पे मेहनत की, खास कर मैं क्रीडी की बात करूँ, मैं वहाँ पे उस डॉक्टर साहब, डॉक्टर आसिफ साहब और डॉक्टर शबीर साहब और इनके साथ और बाकी कुछ डॉक्टर्स हैं, इन्होंने बहुत, डॉक्टर गुलाम कादिर जो सरकवारा का है, उन्होंने बहुत ही लगन से काम की और इन्होंने बखूबी फिर बाद में ये मतलब अपना फर्ज निभाया और हमारे हमदर्दाना मतलब वहाँ पे काम की। तो पुलिस ने भी बहुत ही अच्छा रोल निभाया। और मैं आपके माध्यम से एक गुजारिश करना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, अगर ये एसडीएच क्रेरी में जो फॉरेंसी जो इन्होंने उनके डॉक्टरों के मुताबिक अगर यहाँ पे एक फॉरेंसी लेब होनी चाहिए वहाँ पे, अगर ऐसे कोई वाकात हो या ऐसी कोई सिस्टम दोबारा खुदा ना खास्ता रागिब हो जाए तो उसके लिए वहाँ पे फैसिलिटी होनी चाहिए। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो हमारे साथ मौजूद थे सीनियर पॉलिटिकल लीडर दिलशाद मलिक, जो कि बारामूला से वापस आए। आखिरकार क्यों नौजवान ने सुसाइड किया ये भी आपको बखूबी बता दिया, और आखिरकार क्या था, क्या उम्र थी नौजवान की, और बात करें एसडीएच ग्रीडी हॉस्पिटल में जो है वो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को, क्योंकि पोस्टमार्टम जो है वो नहीं हो रहा। और नाजिन आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे, आप देखते रहेंगे।